नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको एक जबरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बहकल। साधारण ऊंचाई वाला बहकल का वृक्ष झाड़ीदार होता है और पूरा कांटों से भरा होता है। इस पर 1 से 1.5 इंच तक लंबे कांटे होते हैं और इसके पत्ते देखने में अनार के पत्तों के समान लगते हैं। इसकी शाखाएं लाल रंग की होती है, इस पर से आपको जरूर पता चल जाएगा। ये देखिए, बहकल का वृक्ष इस प्रकार का होता है। बहकल कामला रोग की सबसे ज़बरदस्त और रामबाण दवा है। कामला रोग, जिसे पीलिया भी कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम है जॉइंटिस, इस रोग में शरीर पीला पड़ जाता है और लीवर कमज़ोर बन जाता है। इसके अलावा भी ये बहकल का वृक्ष कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग यज्ञ की समिति के रूप में किया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को बहकल के वृक्ष की पूरी जानकारी नहीं है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं और इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। बहकल का वृक्ष ज़्यादातर पहाड़ियों में, पथरीली भूमि में और जंगलों में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसका संस्कृत नाम विकंतक, विकंकला, व्यंग्रपादी, स्त्रुव वृक्ष और स्वादुकंटक है। हिंदी में इसे बैकल, कंटाई, किंकनी और वंश से जानते हैं। पंजाबी में कुकैया कहते हैं, गुजराती में विकड़ो कहते हैं और राजस्थान में कंकर से जानते हैं। इसका तेलुगु नाम दंतासी और दांते है। इस वृक्ष का मराठी नाम बहकड़ और टोकड़ी है और लैटिन नाम जिम्नोस्पोरिया स्पाइनोलोसा है। यह वृक्ष मध्यम आकार का होता है और 6 से 10 फीट ऊंचा होता है और इसकी नवीन और युवा शाखाएं अक्सर चमकदार और रक्तवर्णी होती है। इसके पुष्प सफ़ेद और हल्के पीले रंग के होते हैं और झुमकों में लगते हैं। इसके फल हरे और जामुनी रंग के होते हैं और पक जाने के बाद काले रंग के हो जाते हैं। शास्त्रों ने इस वृक्ष को पवित्र माना है और इसकी समित का उपयोग यज्ञ में किया जाता है। दोस्तों, चरक संहिता में तिक्त स्कंध और शाक वर्ग में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार बहकल का वृक्ष खट्टा, मधुर और सिद्ध प्रकृति का होता है। यह कफ, पित्त, सूचक और रक्त विकार को दूर करता है। यह पीलिया रोग की रामबाण औषधि है। इसके अलावा यह धातु को बढ़ाता है। बहकल का वृक्ष आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके पके हुए फल स्वाद में बहुत मधुर होते हैं। इसके फल दाह और तृषा का शमन करता है। यह दीपन, पाचक, व्रण और अर्श में फायदेमंद होता है। यह पित्त का शमन करता है और त्रिदोष का नाश करता है। दोस्तों, ये कामला रोग में बहुत फायदेमंद होता है। कामला रोग की ये उत्तम औषधि है। इसकी पत्तियों को लाइए और कामला के रोगी को छूट से खिलाइए। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस निकालें और 20 से 25 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाएं। अगर चाहे तो इसके ताजे पत्तों को भी चबाकर खा सकते हैं। ये औषधि परम निरापद है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, इसके चूर्ण का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों को लाकर छांव में सुखाएं और इसका चूर्ण बनाकर रखें। यह चूर्ण लगभग 10-10 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करें। नियमित रूप से लगभग 15 दिनों तक इसका सेवन करते रहने से निश्चित रूप से कामला रोग मिट जाता है। दोस्तों, यह बहकल का वृक्ष लीवर में भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 20 से 25 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से लीवर की सूजन उतर जाती है। दोस्तों, ये पाचन क्रिया को उत्तम बनाता है। बहकल के पत्तों के साथ जीरक, सौंठ, काली मिर्च, अजमोद और सेंधा नमक संभाग मिलाकर इसका चूर्ण बनाकर रखें। लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इस चूर्ण का सेवन करने से अपच मिटती है। इसके पके हुए फल खाने से तृषा मिटती है और शरीर की दाह का शमन होता है। दोस्तों, इसके पत्ते वाचिकर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों तक लगातार इसके पत्तों का नियमित रूप से सुबह उठकर सेवन करते रहने से यौन दुर्बलता मिट जाती है।
यह धातु के पतलापन को दूर करता है और धातु बढ़ाता है। इसके लिए इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।